हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज हम बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में। जो लोगों को कन्फ्यूजन्स है मेडिकल सर्टिफिकेट के कॉन्टेक्स्ट में कि कब बनाना है, अगर पहले से बना है तो वो वैलिड है या नहीं, और सेकंड चीज कि जो लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग लेटर में कि मैम अगर हमें ये अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग लेटर मिल चुका है ईएमआरएस का एज पर 2023 एग्जामिनेशन जो कंडक्ट हुआ था, तो फिर हमें वापस अब स्टेट सोसाइटी क्यों भेजा जा रहा है और वहां से जो हमें लेटर इशू किया जाएगा या जो लेटर दिया जा रहा है बाय अ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जहां पे स्टैम्प है, उनके सिग्नेचर है, तो फिर वो लेटर क्यों दिया जा रहा है। तो आइए इस तरह के जितने भी कन्फ्यूजन्स है विथ रिगार्ड टू मेडिकल सर्टिफिकेट हो या फिर अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग लेटर्स हो, वो सब हम अपने इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे इन डिटेल, और अंत तक आप सब मेरे साथ जुड़े रहे। तो आइए वीडियो अपना हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ज्ञानालय के माध्यम से सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो 6 पॉइंट है नोटिफिकेशन का, उसमें एक तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था आपको कि जो 5th पॉइंट है नोटिफिकेशन का जिसमें डेट्स मेंशन्ड है, वहां पे टाइपो एरर था, वो एक क्लेरिकल मिस्टेक था, गलती से वहां पे 2024 टाइप हो गया था और उसे वापस से रिवाइज करके 2023 कर दिया गया है। इसलिए प्लीज आप उसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग ना माने, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज है, वो सिर्फ नोटिफिकेशन की डेट को दर्शा रहा है, वो ज्वाइनिंग के कॉन्टेक्स्ट में कोई भी डेट क्लैरिफाई नहीं कर रहा है। दूसरी चीज, जो आप 6th पॉइंट देखोगे, वहां पे आपको कहा गया है कि आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, मेडिकल सर्टिफिकेट लेके और एंटीसीडेंट फॉर्म लेके, जो कि एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में दिया हुआ है, जिसका एक फॉर्मेट ऑलरेडी मेंशनड है वेबसाइट पे, वो लेकर आपको स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी जाना है। अब कब जाना है इसके लिए वेबसाइट पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, ज्ञानालय के माध्यम से भी जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा देंगे। तो ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, देखिए अगर आप लोगों ने अभी तक मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो आप लोग मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लें, क्योंकि बहुत जल्दी आपकी डेट ऑफ रिपोर्टिंग आ सकती है, और जैसे ही डेट ऑफ रिपोर्टिंग आएगी तो थोड़ा एक केओस हो जाता है लोगों में, एक हलचल मच जाती है, तो लास्ट समय के लिए कोई भी चीज ना छोड़े। इसलिए मेरी राय आप लोगों को यही रहेगी, एज अ सजेशन मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि आप लोग अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर से जरूर बनवा ही लें। दूसरी चीज है, जो डाउट लोगों के मन में है कि मैंने अपना मार्च और अप्रैल में मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया है मैम, तो क्या वो वैलिड है? बिल्कुल, अगर आपने मार्च और अप्रैल में भी अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के रख लिया है तो भी वो वैलिड है, आप वो बिल्कुल दिखा सकते हैं। वहां पे जो स्टेट सोसाइटी होगी ईएमआरएस स्टेट सोसाइटी की, जो रिस्पेक्टिव ऑफिसर होगा, जो भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी होगी, आप उनको ले जाके वो सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। अगर आपने नहीं बनवाया है तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लें, क्योंकि देखिए ईएमआरएस का अभी तक जो भी नेस्ट के वेबसाइट पे नोटिफिकेशन निकलते रहे हैं वो सब बिल्कुल मतलब सरप्राइजिंगली होते चला गया है, बिल्कुल तुरंत होते चला गया है। तो अगर आपको रिपोर्टिंग का डेट दे देते हैं और तब आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनाओगे तो एक हलचल सी हो सकती है, थोड़ा हो सकता है हड़बड़ी हो जाए लोगों में, उसे अवॉइड करने के लिए, किसी भी असुविधा को रोकने के लिए सबसे अच्छी चीज यही होगी कि आप मेडिकल सर्टिफिकेट टाइम रहते, बिफोर टाइम ही आप बनवा के रख लें। तीसरी चीज जिस पे मैं बात करना चाहूंगी वो है अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग लेटर्स। लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि अगर अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग लेटर्स हमें ऑलरेडी वेबसाइट पे मिल जा रहा है मैम, तो फिर हम स्टेट सोसाइटी को क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं और वहां से जो हमें लेटर इशू हो रहा है वो कौन सा, वो फिर अपॉइंटमेंट लेटर कैसे हुआ? देखिए, आपका अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग लेटर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 2023 के एग्जामिनेशन को बखूबी निकाला है, उसकी हर प्रक्रिया को पास करते चले गए हैं, जो भी प्रोसीजर्स थे उसमें वो लोग खड़े उतरते चले गए हैं, उनको इशू कर दिया गया है थ्रू वेबसाइट पे जो निकला है अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग लेटर, जो कुछ लोगों के डाउनलोड हो चुके हैं और जो नहीं हो रहे हैं वो एक दो दिनों में डाउनलोड हो जाएंगे, क्योंकि वो साइट की जो तकनीकी खराबी होता है उसके कारण हो रहा है नेस्ट अथॉरिटीज के तरफ से। दूसरी चीज ये है कि जो लेटर्स अभी आपको मिल रहे हैं वो लेटर्स आपको यही डायरेक्ट कर रहे हैं कि आपको रिपोर्ट करना है स्टेट सोसाइटी के पास, लेकिन स्टेट सोसाइटी जो आपको लेटर देगी, वहां से जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी आपको लेटर देंगे, वो लेटर आपको ये बताएगा कि आपको स्कूल में जाके ज्वाइन कब कर लेना है, क्या आपको सेम डे ज्वाइन करना है, क्या आपको एक हफ्ते 10 दिन का समय दिया जा रहा है ज्वाइन करने के लिए,
तो दोनों में अंतर यही है कि ये जो अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग लेटर है वो आपके फाइनल सिलेक्शन को कंफर्म कर रहा है कि आपने सारी जो प्रोसीजर्स है वो पास कर ली है, जो टेस्ट है आपने वो आप उसमें खड़े उतरे हैं, आपने वो पास कर लिया है और आपको जो की है फाइनल ऑर्डर लेने के लिए स्टेट ईएमआरएस स्टेट सोसाइटी तक पहुंचना है, आपको वहां पे रिपोर्ट करना है और उनके पास से जो आपको लेटर मिलेगा वो आपको रिपोर्टिंग टाइम डेट वो सब बताएगा कि आपको फाइनली स्कूल में जाके ज्वाइन कब करना है, जिस स्कूल जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग में आपको असाइन की गई है उसमें आपको जाके ज्वाइन कब करना है। तो आई होप कि मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दी है कि ये जो अपॉइंटमेंट लेटर है और जो स्टेट सोसाइटी आपको देगी, ईएमआरएस की स्टेट सोसाइटी आपको देगी, उन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों को कैसे जो की है आप दोनों ही जरूरी है और कैसे जो की है आपको दोनों को लेके ही चलना होगा। आप ऐसा नहीं है कि ये हो गया तो आप एक मिस आउट कर सकते हैं या ये डाउनलोड नहीं कर रहे हैं आप और आप डायरेक्टली स्कूल में रिपोर्ट कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा। आपको स्टेट सोसाइटी में तो जाना ही जाना होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट के भी कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा ले, जिन्होंने मार्च अप्रैल में बनवाया है वो भी वैलिड है। तो आई होप कि जो भी आपका कंफ्यूजन था मेडिकल सर्टिफिकेट को लेके, अपॉइंटमेंट लेटर्स को लेके, वो सब मैंने दूर कर दिया है। जो क्लेरिकल मिस्टेक थी, जो टाइपो एरर था 2023 को गलती से 2024 उन्होंने लिख दिया था, जिसे रिवाइज करके उन्होंने वापस से 2023 कर दिया है और कहीं से भी वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग को नहीं दर्शा रहा है, ये भी मैंने क्लियर कर दिया है। अगर फिर भी आपको कोई भी असुविधा होए, कोई डाउट होए, प्लीज आप अपनी क्वेरी हमसे पूछें टेलीग्राम के माध्यम से या कमेंट सेक्शन में और हमारे साथ आप इसी तरह जुड़े रहे। थैंक यू फॉर बीइंग कनेक्टेड टू अस एंड प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।